सर एयरटेल से। यस यार क्यों नहीं चलता है इंटरनेट कनेक्शन आपका? सर आओ, इट्स नॉट वर्किंग, सम टाइम वर्किंग सम टाइम डिसकनेक्टिंग एंड इट हैज हैपनिंग फ्रीक्वेंटली। एक्चुअली इंटरनेट का जो कनेक्शन है मेरा एयरटेल का, तो इसमें प्रॉब्लम है, फ्रीक्वेंटली डिसकनेक्ट होता रहता है। तो एयरटेल का एग्जीक्यूटिव बुलाया मैंने। क्या नाम है आपका? माय नेम सेल्वा। सेल्वा सर देखो प्लीज़ कुछ करो इसका। ओके चेक। हाँ ये बीच बीच में डिसकनेक्ट होता रहता है। यहाँ से अपनी फाइबर कनेक्टिविटी है क्योंकि ये फाइबर लाइन है और ये अपना फाइबर बॉक्स है। क्या चेक कर रहे हो आप यहाँ पे? हियर आई एम सिग्नल सर, सिग्नल स्ट्रेंथ, सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर, फाइबर की सिग्नल स्ट्रेंथ। यस माइनस 10 dBm। माइनस 10? माइनस 10 dBm डेसिबल मीटर। हाँ इफ इट्स 12 मीन्स ओके, दिस वन माइनस 10 इज bigger than minus 12. So this is best one. The signal strength also it's okay. So how much is it should be? If 12 is okay, it's minus 10 is excellent. Minus 10 excellent. Yeah, minus 10 is में दिख रहा है, इसका मतलब ये excellent है, input जो signal है इसमें, और ये नीचे 99? That's not, that's not different value. So minus 10 is का मतलब जो input signal strength है वो ठीक है। तो अपनी जो fiber की signal strength, input strength है वो तो ठीक है। अब देखते हैं व्हाट कुड बी नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज दैट कॉजिंग इट्स स्लो। द डाउन द बॉटम ऑन दिस इज मेन इनपुट, दिस 8 आर आउटपुट, वन इनपुट 8 आउटपुट। ओके इन वन ऑन इनपुट वी कैन गिव 8 आउटपुट टू 8 कस्टमर्स विद डिफरेंट कनेक्शन। डिफरेंट कस्टमर कनेक्शन। या यस सो इनपुट जो सिग्नल है वो तो हम लोगों ने चेक किया है, वो तो प्रॉपर्ली आ रहा है। बट जो एयरटेल वाले एग्जीक्यूटिव हुए ये कह रहे कि मॉडम में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। माय गेस में भी मॉडम में सम इश्यूज। हां नेक्स्ट टाइम व्हेन फ्रीक्वेंट ड्रॉप हैपनिंग यू जस्ट ऑब्जर्व दिस फोर लाइट्स। ओके दिस पावर ऑन नॉर्मली इट शुड बी फॉर पॉजिटिव लेवल सेल दैट। आई विल कॉल यू, यू प्लीज ट्राई टू कोऑर्डिनेट विद हिम इंटरनली। सो नाउ ओनली आई विल इन्फॉर्म देम टू क्रिएट इट ऑलरेडी। मोस्टली आई विल ट्राई टुमारो एंड ऑफ द डे वी विल ट्राई टू चेंज योर ऑप्शन। ठीक है, आई विल ट्राई टू गेट द इंटरनेट फॉर टू डेज फ्रॉम दिस राउटर। ओके आई विल ट्राई टू मैनेज माय स्पीड राइट। सो बट प्लीज विद इन टू डेज ट्राई टू गेट दिस रिप्लेस। ओके वी विल चेंज द न्यू राउटर। श्योरली। तो अभी जो इंटरनेट की डिसकनेक्टिविटी हो जाती है या बीच बीच में स्लो चलता है ये, उसके लिए इन लोगों ने बोला है कि ये राउटर रिप्लेस करेंगे क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है और इसका रिप्लेस हो जाएगा। तब हो सकता है कि ये जो प्रॉब्लम है डिसकनेक्शन की, फिर इंटरनेट बीच बीच में डिसकनेक्ट होने की, तो ये हो सकता है या फिर स्लो चलने की, ये ठीक हो जाए। तो देखते हैं ये ट्राई करके मेथड। मानसून वाली अच्छी बारिश होती हुई बैंगलोर में, अब तो लग रहा है कि मानसून परफेक्टली आ चुका है यहाँ पर क्योंकि डेली बारिश हो रही है बढ़िया वाली। यस मिस्टर जाजू। हाँ ओ माय गॉड टू मच ऑफ वाटर, मानसून इज एंजॉयिंग विद रेन। नहीं करी, वेरी गुड, अच्छा गया। तेजी से बारिश हो रही है। I'm also coming fast. You are, you coming your? I'm a stool. फाइनली ये ऐसा मॉडम का रिप्लेसमेंट अपना आ गया है। कल ही क्या था, कल तुम्हारे एयरटेल से एग्जीक्यूटिव आया था, ठीक है, तो उसने बोला था कि जो इनपुट सिग्नल है वो तो ठीक है बट लग रहा है कि मॉडम पुराना हो गया, पता है। तो इसलिए इंटरनेट की डिसकनेक्टिविटी या इंटरनेट स्लो या बीच बीच में प्रॉब्लम कर रहा है ये। तो अभी देखते हैं। हाँ वो जियो से लगवाया था मैंने कि वो फिर ये बीच में प्रॉब्लम कर रहा था ना, कभी नेट चल रहा था कभी नहीं चल रहा था कभी स्लो चल रहा था ये, इसलिए सपोर्ट करते। तो ये है पुराने वाला मॉडल, इसकी ये 300 MBPS तक स्पीड सपोर्ट करता है ये। अब इसका मार्केट से ऑब्सोलेट होने का टाइम आ चुका है और मार्केट में नहीं आ चुका है। 1000 MBPS देखते इसका रेस्पॉन्स कैसा मिलता है।